हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में सो so, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं पहला क्वेश्चन है केवीके इज आल्सो नोन एज केवीके जिसको हम कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से भी जानते हैं केवीके को किस और अन्य नाम से जाना जाता है सो के वी इज ऑल्सो नोन एज फार्म फार्म साइंस सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वी के इन द ईयर के यानी कृषि विज्ञान केंद्र को सबसे पहले 1974 में पौंडीचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर स्टार्ट में स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट को नाइनटीन सेवनटी फोर में स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैब टू लैंड प्रोग्राम जिसको एल के नाम से भी जाना जाता है वाज स्टार्टड इन द ईयर लेब टू लैंड प्रोग्राम यानी एल को आई की गोल्डन जुबली को जुबली पर 1979 में स्टार्ट किया गया था सिक्सटीन जुलाई 1979 द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जिसको एन ए टी पी के नाम से भी जानते हैं वॉज स्टार्टेड इन द ईयर सो एन ए टी पी वॉज स्टार्टेड इन दर नाइनटीन नाइनटी एट टू नाइनटीन नाइनटी नाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वी के वॉज रिकमेंडेड बाई के वी के यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था मोहन सिंह मेहता कमेटी जिसको नाइनटीन सेवेंटी फोर में अपॉइंट किया गया था मोहन सिंह मेहता कमेटी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी सी डी पी वाज स्टार्टेड ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को दो अक्टूबर उन्नीस सौ बावन को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जिसको एन ई एस के नाम से भी जाना जाता है वाज स्टार्टेड इन द ईयर सोशन नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को नाइनटीन फिफ्टी थ्री में स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिरका डेवलपमेंट स्कीम फिरका डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन सेवनटीन सो फिर डेवलपमेंट स्कीम जिसको नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की गाइडेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था नाइनटीन सेवेंटी में नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई इल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जिसको एच वाई वी पी के नाम से भी जाना जाता है उसको स्टार्ट किया गया था नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले मार्थेंडम प्रोग्राम मार्थेंडम प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय स्पेंसर हेच इन नाइनटीन ट्वेंटी वन मारथेंडम प्रोग्राम को डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा उन्नीस सौ इक्कीस में स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटावा पायलट प्रोजेक्ट इटावा इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर अल्बर्ट मेयर इन सितंबर 1948. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन विलेज सर्विस वाज़ स्टार्टेड इन 1945 बाय इंडियन विलेज सर्विस जो 1945 में स्टार्ट की गई थी वो मिस्टर आर्थर टी मोइसर और श्री बी एन गुप्ता मिस्टर आर्थर टी मॉइसर और श्री बी एन गुप्ता के द्वारा स्टार्ट की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट इज जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का एम था वो था इंट्रोड्यूसिंग इंटेंसिव वर्क ऑन द रूरल रिकंस्ट्रक्शन फ्रंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसको आई ए डी पी के भी नाम से जाना जाता है वाज पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम सो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है The next question is IRDP, जिसको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है वाज स्टार्टेड ऑन सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट जिसको एन ए आर पी के भी नाम से जाना जाता है उसको कब लॉन्च किया गया था जनवरी नाइनटीन सेवनटी नाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी एंड वी सिस्टम वाज इवॉल्व इन टी एंड वी सिस्टम जिसको ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कहा जाता है वो इवॉल्व किया गया था नाइनटीन सेवनटी थ्री में बाई इसराइली एक्सपर्ट डैनियल बैनर टर्की में सो so, जो टी एंड वी सिस्टम ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम था वो इसराइली एक्सपर्ट के द्वारा इसका नाम डेनियल बेनर था टर्की में इवॉल्व किया गया था नाइनटीन सेवनटी थ्री में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको ट्राइसेम के भी नाम से जाना जाता है उसको कब स्टार्ट किया गया नाइनटीन सेवेंटी नाइन में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंत्योदय योजना वाज स्टार्टेड इन अंत्योदय योजना वाज स्टार्टेड इन सेकेंड अक्टूबर 1977 सेवेंटी सेवन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संपूर्ण ग्रामीण ग्रामीण योज, रोजगार योजना जिसको एस जी आर वाई के नाम से जाना जाता है वाज स्टार्टेड इन द ईयर टू थाउजेंड वन तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को दो हजार एक में स्टार्ट किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ सी आई वाज स्टार्टेड इन एफ सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन नाइनटीन सेवेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्रामिंग वाज स्टार्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इरिगेशन कमीशन फर्स्ट इरिगेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन नाइनटीन वन सो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया 1901 में नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1881 नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल सो एक्सटेंशन वर्क को हमेशा नी लोगों की जरूरत और रुचि के अनुसार होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ एक्सटेंशन फादर ऑफ एक्सटेंशन इज जे पी लिगन्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ सोशियोलॉजी फादर ऑफ सोशोलॉजी इज कॉल्ड अगस्त कॉमटे अगस्त कॉमटे इज कॉल कॉल्ड फादर ऑफ़ सोशियोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एग्रीकल्चरल इन्ोवेशन प्रोजेक्ट जिसको एन ए आई पी के नाम से जाना जाता है वाज स्टार्टेड इन टू थाउजेंड फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ नेशनल ब्यूरोज आर जो भारत में टोटल नेशनल ब्यूरोज है वो कितने हैं सिक्स जिसमें से पहला है एन बी पी जी आर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स सेकेंड है एन बी एस एस एल यू पी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग नेक्स्ट है एन बी ए जी आर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो करनाल में है नेक्स्ट है एन बी एफ जी आर नेशनल ब्यूरो ऑफ़ फ़िश जेनेटिक रिसोर्स नेक्स्ट है एन बी ए आई एम नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट है एन बी ए आई आई नेशनल ब्यूरो ऑफ़ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स सो थैंक यू वेरी मच